आज बड़ी बड़ी कंपनियां किस पे पैसा दाव लगाती हैं? ट्रस्ट पे। एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा सुंदर पिचई, सुना है नाम, सबने सुना होगा सुंदर पिचई। एक तमिलनाडु के गांव से निकला हुआ लड़का आज गूगल कंपनी का सीईओ है। दो तीन जॉब शुरू में छोड़ी थी, उसके बाद से आज तक वो गूगल में ही काम कर रहे हैं। आपको जानते हैं उनकी सैलरी कितनी है? 2000 करोड़ रुपए सैलरी है, LPA उनका। 2000 करोड़ किसको बोलते हैं साहब, आप गिनते रह जाएंगे, मतलब इतनी तो तनख्वाह किसकी होती है। वो लड़का जो गांव से निकला तमिलनाडु के, कैसे पहुंचा वो वहां पे? साहब वो एम्प्लॉयर, वो एक एंटरप्रेन्योर मानसिकता का इंसान था, उसे वैल्यू क्रिएट करनी थी, उसे गूगल को आगे लेके जाना था। तो गूगल में लैरी पेज ने फाउंड किया था गूगल को, वो क्यों किसी को सीईओ बनाएगा? साहब एक बाहर का लड़का जो कि हिंदुस्तान से गांव से निकला, उसको कोई भाई थोड़ी था, लैरी पेज का भाई थोड़ी था सुंदर पिचई, वो कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता था, टैलेंट था। उसने बताया कि मैं गूगल के लिए, मेरा समर्पण है गूगल के लिए। बीच में ऑफर भी आया था, वो छोड़ने वाले भी थे, और क्योंकि इनको पता था कि सुंदर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने उनको बहुत बड़ा ऑफर दिया, फिर गूगल में रुके और आज वो गूगल के सीईओ हैं, और आज आप जानते हैं उन्हें। साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी मानसिकता, आप किस मानसिकता से नौकरी लेने आए हो? क्या आपकी मानसिकता सिर्फ इतनी है कि इतने में इतना ही मिलेगा, या फिर आपकी मानसिकता ये है कि साहब मैं कंपनी में एक वैल्यू क्रिएट करूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है, कंपनी की ग्रोथ ज्यादा मायने रखती है। ऐसी मानसिकता के साथ जाओगे तो उसे ये चीज इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, क्योंकि ये आप उसकी कंपनी में ग्रोथ करने वाले हो, समझ रहे हो? ऐसे लोगों की बहुत कमी है। आज ट्रस्ट का पैसा है साहब, याद रखिएगा, स्किल में एक स्किल आप ऐड कर लीजिएगा, ट्रस्ट। विश्वास का बहुत पैसा मिलता है मार्केट में, विश्वास की ही तो कमी है, समझिए।